बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं व्हाइट वाली बर्फी। बिल्कुल जायका इस तरह का होगा जिस तरह बाजार में मिलती है। उसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, 2 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है, 1/2 कप मैंने चीनी ली है, ये थोड़े से पिस्ते और बादाम मैंने छोटे छोटे बारीक बारीक काट लिए हैं, 1/2 स्पून मैंने इलायची पाउडर लिया है, 5 स्पून मैंने घी ली है, 1/2 कप मैंने दूध लिया है। सबसे पहले हम ये पैन लेंगे। चूल्हा हमारा बहुत मीडियम आंच में होना चाहिए। इस तरीके से अब हम इसमें घी डालेंगे, घी को मेल्ट करेंगे इस तरीके से। अब हम इसमें दूध डालेंगे। अब हम चीनी डाल देंगे जो मैंने बारीक पीस ली है, इलायची पाउडर डालेंगे। अब हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। चूल्हा और स्लो कर देते हैं। अब बराबर हम चम्मच इस तरीके से हिलाते रहेंगे। चम्मच हम मुसलसल हिलाते रहेंगे जब तक ये अपनी साइडें ना तरीके से छोड़ दें। मिल्क पाउडर हमारा पक ना जाए तब तक हम इस तरीके से चम्मच हिलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट हम इस तरीके से पकाएंगे। ये देखें, अब ये साइडें छोड़ना शुरू होगी। अब ये तकरीबन हमारी तैयार हो गए। अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। इसको मैंने ग्रीस कर दिया है, ये सारा बैटर अब हम इसमें डालेंगे। इस तरीके से मैंने इसकी चम्मच की मदद से मैंने इसको सेट कर लिया है। अब ऊपर ये जो बादाम और ये काजू मैंने काट के रखी हुई थी ये डालेंगे। इस तरीके से ऊपर से इस तरीके से कर लेंगे। अब तकरीबन हमें 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। बर्फी हमारी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसमें कट लगाएंगे। पहले हम दरमियान में से काटेंगे। अब हम इनको निकाल लेते हैं। कट हमारे लग गए, अब हम इस तरीके से इनको निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट में। व्हाइट वाली बर्फी बहुत ही जबरदस्त तैयार हो गई है, आप घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। बर्फी बिल्कुल इस तरह की बनी है जिस तरह बाजार में होती है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।